नागरिक सुरक्षा कमांडिंग ऑफिसर की बैठक में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सिविल डिफेंस के मुख्यालय सेवा, संचार, वार्डन, हताहत, अग्निशमन प्रशिक्षण, बचाव, कल्याण आपूर्ति, निस्तारण, संपत्ति निवारण, डिपो एवं ट्रांसपोर्ट सेवा सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में सिविल डिफेंस के हाउस होल्ड रजिस्टर को पूरा करने तथा आपदा में बचाव राहत में प्रशिक्षित वार्डनों को की ड्यूटी लगाने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी, डिप्टी कंट्रोलर सत्य प्रकाश सिंह, सहायक उप नियंत्रक वेद प्रकाश यादव, जेपी उपाध्याय, संतोष श्रीवास्तव, विकास जाला, नीरज श्रीवास्तव, अनुप कुमार, प्रधानाचार्य रेमी यादव व एम सुल्ताना सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपदा के बाद हमें, आपदा के दौरान हमें रिएक्ट करना है चीफ वार्डन, क्योंकि लोकलाइज होते हैं, लोकल पर्सन होते हैं, इसलिए उनको भौगोलिक ज्ञान और सामाजिक संरचना की पूर्णता ज्ञान होता है और ये दोनों ज्ञान के आधार पे वो किसी भी आपदा से लड़ने में किसी व्यक्ति से वो ज्यादा सक्षम होते हैं। उसके दो चार चीज उनके पास है। एक हाउस होल्ड रजिस्टर, आपने सुना प्रत्येक वार्डन का एक अपना रजिस्टर है, उस रजिस्टर में अपने एरिया के बारे में सारा जानकारी है, कितने और कैसे लोग हैं, कितने पार्क है, मंदिर है, मस्जिद है, क्या टोपोग्राफी है, किस प्रकार की आपदा उस क्षेत्र में आ सकती है, ये सारी चीजें उनकी जानकारी में है। इवन आप अगर उनसे बात करेंगे तो उस क्षेत्र के बारे में ए टू जेड उनके पास जानकारी है। क्योंकि 4000 की आबादी में दो लोग हैं हमारे पास, तो एक बहुत बड़ा एक प्रशिक्षित मानव संसाधन हमारे जिला प्रशासन को है और जितने भी लोग हमारे से जुड़े हैं वो लगभग विभिन्न विधाओं में ट्रेंड है। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर केवल वॉलंटियर जुड़े नहीं है, ये विभिन्न विधाओं में ट्रेंड है, वो चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, फायर फाइटिंग हो, फर्स्ट एड हो, वाटर रेस्क्यू हो, ये सारे विधाओं में ये पर्सनालिटी ट्रेंड होने की वजह से ये किसी भी सोसाइटी के अलग से हम लोग एक पत्र भी आपको लिखेंगे किस रैंक के कितने कौन कौन लोग चाहिए। निवेदन है कि सभी लोग एक हफ्ते में दे देंगे जिससे हम लोग इस पूरी योजना को सिविल प्रशासन को प्रेषित कर देंगे। भाई इतनी उम्मीद है कि आप लोग इसको जल्दी करा देंगे। आपकी अपेक्षा थी फोर्स से और सर सिविल डिफेंस का आपसे ये रहता है संबंध कि सर इनकी सूचना वार की सबसे पहले हमें मिलेगी, हमें सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब बार हो सर्विस के कमांडिंग अफसर को बताएंगे, जिसमें एक कमांडिंग अफसर सर हमारे गुलाटी साहब हैं, ये अपनी सेना को बताएंगे और इसी तरीके से सभी लोग एक मैसेज को पास करेंगे, क्योंकि युद्ध काल में सर ये संभव नहीं है कि शायद मोबाइल और टेलीफोन काम करे। 2009 में सर आपदा प्रबंधन विषय को नागरिक सुरक्षा से जोड़े जाने के बाद कि आपदाओं से लड़ने के लिए कम्युनिटी को प्रिपेयर करें सर, और आपदा खत्म होने के बाद सिविल डिफेंस का कॉन्सेप्ट है और ये लक्ष्य और पूर्ति के संबंध में बातचीत है। मैं ज्यादा मुझे प्राप्त हो जाए जिला मजिस्ट्रेट महोदय से बातचीत हुई, सर अध्यक्षता हमारे एडीएम सिटी साफ कर रहे हैं, इस पूरी हमारी नेम जो दर्ज हो रहा है इसकी छपी या पुस्तिका हो गया। नहीं सर, यही आज हम लोग मांग करने वाले थे जिलाधिकारी महोदय से कि 300 परिवार पंजिकाएं चाहिए सर, तो सर हम लोग एक पत्र के माध्यम से आपके माध्यम से हम लोग मांग रहे हैं, तो इसको अध्यावधिक कर रहे हैं, जिसमें सर 114 भरे हुए हैं सर, लेकिन सर वो जो नॉर्म्स 22 के हैं उसको काट के 12 किया है। ठीक है, 12 कॉलम का जो भी पंजिका आपकी तैयार हो गई है इसके लिए मांग कर लीजिए आप, उसको देखते हैं कहाँ से हम लोग करा देंगे सर। स्वयं हो जाएगा कि पहले से लोग काट रहे थे, कौन से आप नए लोग काट रहे हैं।